हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री क्लास। मैं डॉक्टर सिवी सर। आज का हमारा वीडियो टर्म वन एंड जेई नीड्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, अल्कोहल फिनॉल ईथर। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक है? ऑप्शन ए साइक्लोहेक्सेनॉल, ऑप्शन बी सेकेंडरी अल्कोहल विद साइक्लोहेक्सेनॉल, एंड ऑप्शन सी जो है वो बेंजाइल अल्कोहल, और ऑप्शन डी फिनॉल। यस स्टूडेंट, जल्दी से आप अपना आंसर लॉक करिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली फिनॉल से, बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो फिनोक्साइड आयन बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से मोस्ट एसिडिक रहेगा। और वैसे भी अल्कोहल फिनॉलिक OH इज मोर एसिडिक देन अल्कोहलिक। क्वेश्चन नंबर टू। फिनॉल से आपको सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करानी है, जिससे आपका बन जाएगा बेंजीन, क्योंकि ZNO इसमें से आउट हो जाएगा, बेंजीन फॉर्मेशन होगा। अब आपको बेंजीन की रिएक्शन CHC यानी कि RX से करानी है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन FCR, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो इससे बन जाएगी आपकी टॉलुइन। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, एल्कलाइन KMnO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी भी हाइड्रोकार्बन अल्काइल ग्रुप को सीधा COH में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए जेड आपका टॉलुइन जो होगा वो COH में कन्वर्ट, यानी कि बेंजोइक एसिड ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए बेंजाल्डिहाइड, ऑप्शन बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी बेंजीन, एंड ऑप्शन डी टॉलुइन। सो द करेक्ट आंसर इज बी बेंजोइक एसिड इज जेड। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के प्रति मोस्ट रिएक्टिव होगा, ये इसमें अपन को देखना है। यस स्टूडेंट, तो चूज करिए इसमें से मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन बेस्ट रहेगा। ऑप्शन ए बेंजीन विद CH3OCH3, बेंजीन विद CH3OH, बेंजीन विद NHCOCH3 सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स, एंड ऑप्शन डी CH3 विद CH2OH। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी देखनी है, तो इसमें जब ऑर्डर देखेंगे आप, तो ऑर्डर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म जिसको कहा जा सकता है, वो हमेशा आपका कौन सा होता है, OH ग्रुप होता है। इसीलिए बाकी सारे इसमें मिथॉक्सी देन आपका NHCOCH3 इस तरह से आएंगे, तो OH स्ट्रॉन्गेस्ट शो करता है, इसलिए बेंजीन से डायरेक्ट टेस्ट होगा। तो इस क्रिसोल जो ऑर्थो क्रिसोल जिसमें मिथाइल ग्रुप के साथ में नेबर पे ओस जो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो दिस गिव्स मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। इनमें से कौन सा वो रिएजेंट या टेस्ट है जो तीनों डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकता है? ऑप्शन ए ल्यूकास रिएजेंट, ऑप्शन बी फैलिंग टेस्ट, ऑप्शन सी हिंसबर्ग टेस्ट, ऑप्शन डी थॉलेंस टेस्ट। यस इट वाज वेरी फेमस ल्यूकास टेस्ट, आपको याद होगा 3 डिग्री गिव्स मोस्ट रिएक्टिव विद इन 5 सेकंड, और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2+HCl। ओके, और सेकंड पे आपका 5 मिनट्स, और 1 डिग्री जो होगा तो मोर देन 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene, यानी कि एक ईथर बनानी है आपको, 4-methoxy-4-substituted nitro ईथर है हमारे पास में, तो मिथॉक्सी ग्रुप यानी कि एक तरह से ईथर फॉर्मेशन होगा। और आपको याद होगा स्टूडेंट, जो ईथर फॉर्मेशंस होती है उसके अंदर हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, और SN2 के लिए कंपल्सरी कंडीशन होती है कि आपका जो हैलाइड ग्रुप है वो 1 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे पास सेट ए में दे रखा है ब्रोमो और नाइट्रो पैरा पोजीशन, और रिएक्शन आपको CH3ONH से करानी है। सेट बी में हमको दे रखा है नाइट्रो ग्रुप विद पैरा पोजीशन फिनोक्साइड आयन, और उसके साथ में 1 डिग्री RX है। ऑफ कोर्स 1 डिग्री RX का होना जरूरी है, क्योंकि यही तो ये अगर आयोनाइज्ड होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का वर्क शुरू करेगा जो कि उसका फेवर नहीं करेगा, इसीलिए इसमें 1 डिग्री SN2 फेवरेबल होगी। सो ओनली सेट बी इज करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस ईथर। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली बी सेट इज ओके। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स हैज द हाईएस्ट pKa वैल्यू, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो पावर में होगा, तो pKa को अपन क्या लिख सकते हैं, -log Ka,
या अपन प्लस में करेंगे तो लॉग ऑफ वन अपॉन के, ये पीके का मीनिंग होगा, ठीक है। यानी कि रेसिप्रोकल होती है, जितना स्ट्रॉन्ग, तो के ए जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए होते हैं और पीके वीक एसिड्स के लिए। अपन को इसमें से हाईएस्ट पीके पता करना है, यानी कि आपको वीक एसिड होना चाहिए उसके लिए हाईएस्ट होगा। नाइट्रोफिनॉल आपका मोर एसिडिक हो जाएगा, फिनॉल इज अगेन एसिडिक, मेटा नाइट्रोफिनॉल है तो नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट है तो ये भी शो करेगा। पैराक्रिसोल जो है इसके अंदर आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, क्योंकि इसमें फिनॉल के साथ में CH3 जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई हमेशा वैल्यूज को डी कर देने की, वीकेस्ट एसिड बन जाएगा, इसीलिए इसकी पीके ए वैल्यू क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑन ट्रीटमेंट विद Br2H2O। यदि हम फिनॉल की ट्रीटमेंट जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, या जो गिवन कंपाउंड है उसकी रिएक्शन हम जो है वो ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, तो उसमें कौन सा होगा वो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव्स देगा। ऑप्शन ए CH बेंजाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी CH3B2OH क्रिसोल, ऑप्शन सी पैरा पोजिशन ऑफ पैरा क्रिसोल, एंड ऑप्शन डी आपका मेटा क्रिसोल। तो इसमें जो OH ग्रुप होगा स्टूडेंट, इसके अंदर आपकी 2 ट्राई डेरिवेटिव 2, 4, 6 पोजिशन आएगी, तो दिस एंड दिस जो इसमें आपका मैक्सिमम यील्ड देगी, तो ये ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव्स होगा, इस जगह पे Br सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आउट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेडिक्ट दी फॉलोइंग, आपको प्रोडक्ट गैस करना है। ये साइक्लोहेक्सेनॉल साइक्लिक रिंग के ऊपर OH ग्रुप है, इसकी फर्स्ट रिएक्शन करानी PBr3 से और उसके बाद में सेकेंड करानी है एल्कोहलिक KOH से, तो इसका तो आपका सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो Br और OH सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और एल्कोहलिक के OH क्या करेगा -HX यानी कि -HBr, तो आपका डबल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन ए आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां यहां कहीं भी एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, बी OH OH और सी Br विद डबल बॉन्ड और डी 2 कॉन्जुगेटेड आयंस, तो इसमें आंसर राइट हो जाएगा ए ओनली 1 डबल बॉन्ड, जो आप Br यहां पे एक डबल बॉन्ड जो होगा वो प्लेसिंग्स होगी। क्वेश्चन नंबर 9, अगर हमारे पास में बेंजीन के साथ में 2 OH ऑर्थो पोजीशन पे हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कैटेकॉल। कैटेकॉल की रिएक्शन अगर इसको बोलेंगे कैटेकॉल, कैटेकॉल की रिएक्शन अपन को मेथिलीडीन आयोडाइड से करानी है बेसिक मीडियम के अंदर, और इससे आपको जेड प्रोडक्ट गैस करना, व्हाट इज जेड, तो ऑप्शन ए में बेंजीन पे OOCH2, बेंजीन विद CH2CH2O एंड OCH3 विद OH, एंड ऑप्शन डी CH2I विद ONA। नाउ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो ये CH2 ग्रुप है ये इसमें ऐड हो जाएगा, HI और HI इसमें आउट हो जाएगी, तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा ऑप्शन ए OOCH2। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट सुटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट सुटेबल कन्वर्जेंस आपको दे रखा है प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री RCH2OH, और आपको इसमें सुटेबल रिएजेंट चूज करना है जो इस प्रोडक्ट को CHO पे स्टॉप कर दे, जिसको कह सकते हैं पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन ए PCC यानी कि पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ऑप्शन बी KMnO4, ऑप्शन सी K2Cr2O7, ऑप्शन बी CrO3। तो इसमें वेरी फेमस, अगर पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग यानी कि प्राइमरी एल्कोहल अगर आपको LDH तक ऑक्सीडाइज करना है तो PCC इज द बेस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर दैट, जिसको पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, यानी कि फिनॉल जो है आपका वो कंसेंट्रेट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट HSO4, इससे जो मेन प्रोडक्ट ए आ रहा है वो कौन सा होगा वो आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन बी मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन सी 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन डी 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यस स्टूडेंट, इसमें आपको कंसेंट्रेट HNO3 जब भी होगा तो नाइट्रोनियम आयन आपका पोजीशन 2, पोजीशन 4 और पोजीशन 6 पे प्लेस होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसको आप पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रिएक्शन ऑफ ब्यूटेनॉन, यानी कि आपके पास में ये ब्यूट 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड आ रहा है ब्यूटेन 2 ऑन कह सकते हैं 2-ब्यूटेनॉन विद CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करानी है जिसमें न्यूक्लियोफाइल और MgBr पॉजिटिव फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस। आपको याद होगा स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अपन जब किसी कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें डायरेक्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, जितने भी LDHs अगर होगा तो उससे 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, अगर कीटोन होगा तो उससे आपका
एल्डिहाइड में दो होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा, अदर एल्डिहाइड जो होगी वो 2 डिग्री देगी और कीटोन आपको 3 डिग्री देगा, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी होते हैं। जैसे यहाँ पे ये इथाइल ग्रुप ये आर हो गया, एक आर और आ जाएगा इसके अंदर तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ऑप्शन बी 2 ब्यूटेनॉल, ऑप्शन सी 2 पेंटेनॉल और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा नन ऑफ दी अबाउट। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यस ऑप्शन को टिक करिए, पहले आप अपना गैस करिए आंसर। यस स्टूडेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको बहुत ही वेरी शानदार रिएक्शन, इसमें आपको साइक्लोहेक्सेन जिसमें एक कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है और नेबर कार्बन कंटेन्ड OH और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस Z की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ऑप्शन ए है इसका वर्ड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, मिथाइल सेम पोजीशन पे रहेंगे या डबल बॉन्ड और मिथाइल की शिफ्टिंग अलग हो जाएगी। सी मिथाइल शिफ्टिंग ऑपोजिट विद डबल बॉन्ड और इन बिटवीन मिथाइल डबल बॉन्ड। यस स्टूडेंट, सबसे पहले इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो ये H जो होगा वो OH2 बना देगा और OH2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो विड्रॉ हो जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता तो ये 2 डिग्री बनेगा। अब इसमें क्या होगा, 2 डिग्री जब बनेगा तो अपन रीअरेंजमेंट करेंगे, तो रीअरेंजमेंट एक मिथाइल ग्रुप अगर इस OH की जगह पर आ जाता तो ये जो प्लस वाला पार्ट होगा ये 3 डिग्री हो जाएगा, फिर हम माइनस H करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपका बेटर स्टेबिलिटी देता है रीअरेंजमेंट। सो दिस 1.2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन जो होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई सी इन द फॉलोइंग। आपको सी आइडेंटिफाई करना है जिसे बेंजीन सबसे पहले आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो HCl निकल जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करेंगे तो क्यूमीन बन गया, ये वाला आंसर आपका क्यूमीन हो गया, क्यूमीन मींस आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसका ऑक्सीडेशन 130 पे करेंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाएगा CH3CH3OOH, ठीक है। फिर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो आपका ये जो एसीटोन पार्ट यानी कि प्रोपेनॉन पार्ट अलग हो जाएगा और ये फिनॉल, तो फिनॉल मेन प्रोडक्ट है और सी में आपका आ जाएगा प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनॉन। तो ए ऑप्शन H2O, बी ऑप्शन इथेनॉल, सी ऑप्शन प्रोपेनॉन, डी ऑप्शन नन ऑफ अबव, तो करेक्ट आंसर इज सी प्रोपेनॉन। क्वेश्चन नंबर 15, राइमर टीमान रिएक्शन इज यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ, इनमें से कौन सा सिंथेसिस जो है वो राइमर टीमान का फाइनल प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए सैलिसाइल एल्डिहाइड, ऑप्शन बी सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बेंजोफेनॉल। स्टूडेंट इसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड अगर अपन क्लोरोफॉर्म लेते हैं फिनॉल के साथ NaOH में तो सैलिसाइल एल्डिहाइड बनेगा, और अगर अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड विद फिनॉल NaOH लेंगे तो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, यानी कि ये दोनों में ही यूजफुल होती है जिसको अपन राइमर टीमान रिएक्शंस बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपका था एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टर्म 1 एंड जे नीट्स के लिए अल्कोहल फिनोल का, पढ़ते रहिए, जुड़ने के लिए थैंक यू, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।